हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये स्पेशल रसमलाई। आप भी बना सकते हैं इस व्रत में और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है दूध, और दूध उबलने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ये थोड़ा सा उबलता है, इसमें हम डाल देंगे नींबू। और अगर ये तभी नहीं फटता है तो आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सिरका, और इनको फाड़ के और इनका सारा पानी निकाल देना है। और इसको थोड़ी देर रख देना है छन्नी पे, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर इनको हाथों से ऐसे मसल मसल के आपको कर लेना है इनको खूब सॉफ्ट। और उसके बाद इसकी बना लेनी है छोटी छोटी गोलियाँ। गोलियाँ बनाने के बाद आप इनको, अगर आप छोटी गोलियां बनाएंगे तो ये फूल के और भी बड़ी हो जाएंगी। और गोलियां बनाने के बाद आप इनको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तब तक के लिए हम जो है, हमारे दूध में हमने डाल दिया है थोड़ा सा केसर कलर लाने के लिए। और एक पैन में हमने गरम किया है दूध, खूब गाढ़ा करना है इसको गरम करते हुए। और इसमें डाल दिए हमारे केसर वाले दूध, थोड़ा सा किशमिश, बादाम, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, और चीनी। और उसके बाद इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरी का बुरादा। और हमारे ये जो छोटी छोटी गोलियां हमने बनाई थी वो हमने निकाल ली है फ्रिज में से। और इनको थोड़ी सी पानी में और चीनी डाल के चाशनी बना दिया है, और इसमें डिप कर दिया है 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉइल्ड होने के लिए। और फिर उसके बाद हमारा जो केसर वाला दूध था, इनको उसमें से निकालने के बाद, चाशनी में से निकालने के बाद, हमने इस पे डाल दिया है हमारे केसर वाले दूध, जो कि गाढ़ा हो गया है बिल्कुल ही। और ये देखिए हमारी बनके हो गई है रसमलाई, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बाज़ार से भी टेस्टी और हेल्दी।